नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। कोरोना काल के इस समय को देखते हुए मैं आपके सामने भूगोल के कुछ ही कंटेंट पेश कर रहा हूँ। इनको अच्छे से याद करें या आपके अध्ययन के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अध्ययन करवा देता हूँ भूगोल से संबंधित कुछ मानचित्रों के बारे में। स्क्रीन के सामने आपको जो ये मानचित्र दिख रहा है, ये संसार का मानचित्र है जिसमें महाद्वीपों को प्रदर्शित किया हुआ है। आपको इसमें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर अफ्रीका, ये अफ्रीका है ही, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सात महाद्वीप हैं, पांच महासागर हैं, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। उसके बाद एक महासागर यहाँ पर है जिसको अंटार्कटिका के महाद्वीप के नाम पर ही अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। इस क्षेत्र में है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ। अगला मानचित्र है संसार के राजनीतिक मानचित्र, जिसमें विश्व के प्रमुख देशों के बारे में बताया गया है। देखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इधर ऑस्ट्रेलिया और फिर है भारत। तो ये संसार का मानचित्र है जिसमें प्रमुख देशों के बारे में बताया गया है। और भी देश देखिए इसमें, अफ्रीका के संपूर्ण छोटे छोटे देशों के बारे में बताया गया है। इधर यूरोप के देशों के बारे में, एशिया के बारे में, भारत की स्थिति आपको बता दूं, ये रहा भारत, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका को बताया गया है। ये दक्षिण अमेरिका है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास का क्षेत्र, कनाडा, यहाँ अलास्का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग, ग्रीनलैंड, जापान, कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो ये संसार का राजनीतिक मानचित्र। आइए अगला मानचित्र देखते हैं, भारत का मानचित्र।
भारत के मानचित्र में देखें या जयपुर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आपको विशेष बात बता दूं, इस मानचित्र में जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, इसका ये वाला क्षेत्र इधर लद्दाख है और ये वाला कश्मीर है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ये मानचित्र है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया गया है, दमन और दीव। इस मानचित्र को कॉपी में बना लीजिए। अगला मानचित्र राजस्थान का मानचित्र, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 33 जिलों का मानचित्र है और जिला हेडक्वार्टरों का मानचित्र है। देखिए इसमें राजस्थान की जो राजधानी है मेरा जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सीकर और इधर है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, नागौर। तो ये राजस्थान के 33 जिले हैं और जिला हेडक्वार्टर। आइए अगला मानचित्र देखते हैं, ये कक्षा 12वीं के भूगोल संबंधित मानचित्र है। जनजातियां इसमें दर्शा रखा है, केवल 2 जनजातियां मुख्य हैं इसमें, भील और गौंड। जो ये वाला जो क्षेत्र है ये भील जनजाति का है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये गौंड जनजाति का है। आगे जो मानचित्र है, ये मानचित्र है एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये पूरा एस्किमो का निवास क्षेत्र है, यहाँ एस्किमो जनजाति रहती है। अलास्का का उत्तरी क्षेत्र, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, ग्रीनलैंड क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। इसके बाद अगला जो मानचित्र है ये बुशमैन जनजाति का है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के आसपास निवास करती है, उनका निवास क्षेत्र है। 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से लेकर के मकर रेखा के बीच में, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 30 डिग्री देशांतर के बीच में इसका मुख्य निवास है। जाम्बिया, नामिबिया, दक्षिणी अफ्रीका, स्वाजीलैंड, लेसिथो, जाम्बिया, ये कालाहारी मरुस्थल के आसपास बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। आइए अगला मानचित्र देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें देखिए सघन जनसंख्या, ये ब्लैक कलर का क्षेत्र है, यहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। भारत के भी तटीय क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। दूसरा है सामान्य जनसंख्या, जहाँ पर ये खड़ी लाइनों का जो छाया क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद विरल जनसंख्या, फिर अति न्यून
जनसंख्या का, जो ये सफ़ेद कलर है, यहाँ पर अति न्यून जनसंख्या रहती है, क्योंकि या तो बर्फीला क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है या सघन वन वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। 13 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिस आधार पर जनसंख्या सघन, सामान्य, विरल और अति न्यून क्षेत्रों में विभाजित है। आइए अगला मानचित्र देखते हैं, जो देख रखा है जनसंख्या का विश्व जनसंख्या घनत्व। इसमें देखिए जनसंख्या घनत्व के बारे में, जहाँ पर 250 से अधिक जनसंख्या निवास करती है वहाँ पर ये ब्लैक कलर की छाया क्षेत्र दर्शा रखा है, जहाँ पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। आगे दे रखा है 101 से और 250 के बीच में, जहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है वाला एक कम गहरा वाला जो क्षेत्र है सघन के आसपास का जो क्षेत्र यहाँ पर। उसके बाद 11 से 100, फिर 5 से 10, फिर 6 से 10, फिर 5 से कम। तो ये 5 से कम वाला बिल्कुल जो सफ़ेद वाइट कलर का जो क्षेत्र है यहाँ पर 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या निवास करती है, यानी कि अति न्यून। आइए अगला मानचित्र देखते हैं, जो प्रवास संबंधित है। प्राचीन काल में मानव जनजातियों का प्रवास इसमें देखिए यूरोपीय प्रवास, ये वाला जो क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप में, इस यूरोप महाद्वीप से जो भी प्रवास हो रहा है दक्षिण में भी और पूर्व में भी पश्चिम में भी, तो इस प्रवास को यूरोपीय प्रवास कहते हैं। दूसरा प्रवास भारतीय प्रवास, जो भारत से प्रवास हुआ है इधर इंडोनेशिया की तरफ और फिर इधर अफ्रीका की तरफ प्रवास हुआ है। अगला दे रखा है जापानी प्रवास, ये देखिए जापान यहाँ पर है, जापान का प्रवास अमेरिका की तरफ हो रहा है, जो यहाँ से निकल करके इस क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका की तरफ भी आ गया। उसके बाद चीनी प्रवास, चीन का प्रवास भी जापान के प्रवास की तरह ही हुआ है, तो उत्तरी अमेरिका की ओर अधिकांश प्रवास उत्तरी अमेरिका की ओर हुआ है। उसके बाद अफ्रीकी प्रवास, अफ्रीका महाद्वीप से प्रवास उत्तरी अमेरिका की ओर और दक्षिण अमेरिका की ओर प्रवास अधिक हुआ है। इस मानचित्र को देख लीजिए और कॉपी में बना लीजिए। अगला मानचित्र है मानव के प्राथमिक व्यवसाय। तो इसमें देखिए प्राथमिक व्यवसाय कार्य, प्राथमिक व्यवसाय में आखेट, मत्स्य संग्रहणकर्ता, चलवासी, पशुचारण आते हैं। आखेट का जो क्षेत्र देखिए, ये वाले क्षेत्र में आखेट कार्य किया जाता है। देखिए यहाँ पर उत्तरी टुंड्रा प्रदेश में साइबेरिया के क्षेत्र में आखेट जहाँ जनजातियाँ निवास करती है, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र ये वाला आपको पिछले मानचित्र में बताया था मैं, जहाँ पर एस्किमो जनजाति आखेट कार्य करती थी। उसके बाद चलवासी पशुचारण, आदिम कृषि, चलवासी पशुचारण का देखिए इस वाले क्षेत्र में चलवासी पशुचारण अधिक कार्य किया जाता है। फिर आदिम कृषि, इस क्षेत्र में आदिम कृषि करते हैं प्राचीन ढंग से, ठीक है। उसके बाद व्यापारिक पशुचारण, व्यापारिक पशुचारण जो रेंचों में या फार्मों में रख करके पशुपालन कार्य किया जाता है अधिकांशतः है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कार्य किया जाता है, इधर डेनमार्क स्वीडन में कार्य किया जाता है व्यापारिक पशुचारण। बागाती कृषि, इस वाले क्षेत्र में बागाती कृषि कार्य किया जाता है, देखिए यहाँ पर क्षेत्र में बागाती कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद विस्तृत व्यापारिक कृषि, तिरछी लाइनों वाला जो छाया क्षेत्र है यहाँ पर ब्राज़ील उत्तरी अमेरिका के आसपास, ठीक है। अगला देखते हैं जीवन निर्वहन कृषि, भारत में देखिए भारत का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर जीवन निर्वहन कृषि कार्य किया जाता है। फिर विनिर्माण, जो ब्लैक कलर का दे रखा है विनिर्माण कार्य, जहाँ पर प्रकृति से प्रदत्त पदार्थों का निर्माण कार्य किया जाता है, जैसे दूध, पशु से दूध प्राप्त करके दूध का निर्माण, दूध उत्पादन कार्य किया जाता है, दूध से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ऐसे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। अगला मानचित्र देखते हैं विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र।
ये देखिए भारत में, देखिए सबसे पहले जमशेदपुर और जमशेदपुर के आसपास और क्षेत्रों में यहाँ पर लोहा उत्पादन कार्य किया जाता है। उसके बाद विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात, देखिए भारत के आसपास कराची, वुहान, वुहान जो अभी कोरोना की वजह से काफ़ी फेमस है, वुहान में लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र भी है, यहाँ पर है वुहान। ये देखिए चीन का वुहान, आपको इस मानचित्र में अवश्य लोकेशन याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रह चुका है विश्व भर में, क्योंकि वुहान को जो कोरोना की शुरुआत वुहान शहर से ही मानी जाती है। टोक्यो, ओसाका, संघाई ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ और सिडनी, उसके बाद सेलिसबरी अफ्रीका में और जोहान्सबर्ग, फिर यहाँ उत्तरी अमेरिका में देखिए शिकागो, पीटर्सबर्ग, बर्मिंघम, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, बफेलो और साओ पोलो, सेंटियागो, एक बार सेंटियागो पूछा गया था एग्जाम में 12वीं क्लास के बोर्ड में, सेंटोस, रियो डी जेनेरो। यूरोप में देखिए लास्को, बर्मिंघम, लिले, रूर, क्यूब्रोइरार, लेनिनग्राड, मास्को। जरेशिया में चेलियाविंग्स, बीजिंग, टोमस्क, वुहान, मैग्नेटोस, ये आदि लोहे इस्पात केंद्र क्षेत्र हैं जिनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। धन्यवाद। आगे देखिए रेल मार्गों के बारे में, विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ये देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा है, सेंट पीटर्सबर्ग से, ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से व्लाडिवोस्टक तक जाता है। इसमें प्रमुख जो स्टेशन है उनका नाम देख लीजिए, मास्को है, कजाक है, जान है, एकेटोनीबर्ग है, ट्यूमिंग है, ओमस्क है, और इधर देखिए नोवोसिबिर्स्क है, क्रासनोयार्स्क है, अगस्त है, चिता है, खबरोस्क है, और ये व्लादिवोस्टक प्रशांत महासागर में, सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सागर का तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो इसको कॉपी में बना लीजिए। अगला मानचित्र देखिए पार कनेडियन रेल मार्ग, ये सिडनी से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा सिडनी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, यहाँ से शुरू होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में कनाडा क्षेत्र में भी है जहाँ से पार कैनेडियन रेल मार्ग है सिडनी, हेलीफैक्स, फिर हेलीफैक्स से फिर जाता है लास्ट में वैंकूवर विक्टोरिया तक, जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रेल मार्ग है पार कैनेडियन रेल मार्ग। इसमें प्रमुख स्टेशन आते हैं केमलुक्स, कैलोरी, रेगिना, विनीपेग, कडबरी, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये प्रमुख क्षेत्र हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग। उसके बाद अगला मानचित्र आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये देखिए एक ही रेल मार्ग है अंतर्महाद्वीपीय, इसके तीन भाग हैं, उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय, मध्य अंतर्महाद्वीपीय और दक्षिण अंतर्महाद्वीपीय, तीनों ही न्यूयॉर्क शहर से शुरू होते हैं, न्यूयॉर्क से शुरू होकर के उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग से एटल तक जाता है, मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग से फ्रांसिस्को तक जाता है और दक्षिण अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग लॉस एंजल तक जाता है। जो उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग है न्यूयॉर्क से शुरू होकर के फिलाडेल्फिया तक जाता है, फिर पीटर्सबर्ग जाता है, फिर शिकागो, शिकागो के बाद ये उत्तर की ओर चला जाता है, सेंट पॉल, बिस्मार्क, विलिंग्स और सिएटल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखिए जो मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया, पीटर्सबर्ग और शिकागो, शिकागो के बाद ओमाहा की तरफ चला जाता है, फिर चेनी, साल्ट लेक सिटी, रीनो और सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद दक्षिणी अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग है
फिर न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया, फिर वाशिंगटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC का पूरा नाम है वाशिंगटन DC। अटलांटा, मॉन्टगोमरी, मॉन्टगोमरी से दो श्रेणियों में विभाजित हो जाती है, आगे जाके एल पासो तो वापस एक दूसरे में मिलीन हो जाती है। न्यू ऑर्लियंस तलाशा होती हुई एल पासो पहुंचती है, फिर एल पासो से लॉस एंजिल तक पहुंच जाती है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गए। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये देखिए पर्थ बंदरगाह से लेकर के सिडनी तक जाता है, सिडनी से एक शाखा मेलबोर्न तक चली जाती है। प्रमुख इसके जो स्टेशन है कलगुरली और कुलगाड़ी, ये प्रमुख है। कुलगाड़ी ऐसा कुछ नाम है जो सोने की खाने हैं। फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता, पोर्ट अगस्ता के बाद पोर्ट पीरो, पीटरबोरो और ब्रोकन हिल्स, सेंटियागो और बॉर्क्स एलिवर, एलबरी और मेलबोर्न तक चले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का पारमाद्वीपीय रेल मार्ग है। पारमाद्वीपीय रेल मार्ग उसे कहते हैं जो महाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाए पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे देखिए अफ्रीका का रेल मार्ग, ये काफी मोस्ट है, संभावित विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा अगर ये अभी निर्माणाधीन है पूर्ण होने के बाद। इसका नाम केप कायरा रेल मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि केप टाउन से शुरू होता है और कायरा तक पहुंचता है, तो केप टाउन का केप और कायरा, केप कायरा इसलिए इसको नाम दे दिया है। बीच में तीन झीलें आ जाती हैं, विक्टोरिया झील, टेंगानिका झील, न्यासा झील। इसके बाद केप टाउन से शुरू होता किम्बरले जाता है, जॉन्सबर्ग, प्रिटोरिया, बुलावायो और प्रिटोरिया प्रपात, विक्टोरिया प्रपात तक पहुँच जाता है। फिर ये यहाँ से कुछ दूरी के बाद टेंगानिका झील तक सड़क मार्ग के द्वारा, फिर टेंगानिका से जाता है विक्टोरिया झील तक सड़क मार्ग के द्वारा, फिर टेंगानिका में जहाज़ों के द्वारा और विक्टोरिया झील में जहाज़ों के द्वारा, फिर विक्टोरिया झील से कोस्टी तक वापस सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। फिर खारतूम सूडान की जो राजधानी है वहाँ से वादी हाफा, आसवान बांध जहाँ आसवान शहर भी है वहाँ से लेकर के मिस्र में और कायरा तक चला जाता है। तो ये अगर कोस्टी से लेकर के विक्टोरिया प्रपात तक इसको अगर रेल मार्ग के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा, लेकिन अभी निर्माणाधीन है। ये केप कायरा रेल मार्ग हो गया। आगे देखिए राइन जलमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग जो रोटरडम बंदरगाह से में जाके गिरती है राइन नदी, यहाँ से स्विट्जरलैंड से शुरू होती है, फिर बहते हुए ये फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसके आसपास के क्षेत्रों को देख लीजिए, मेनहाइम, एस्ट्रोबर्ग, मेज, कालबेज, कोलोन, आइसबर्ग, ये राइन नदी जो विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग ये देखिए, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है ये उत्तरी अटलांटिक का एक नंबर पर जो दे रखा है, उत्तरी अटलांटिक के मार्ग जो विश्व का सबसे व्यस्ततम है। आपको गहरा दिखाई दे रहा होगा, जो जितना ज़्यादा गहरा है वो उतना ही ज़्यादा व्यस्त है। फिर उसके बाद स्वेज नहर मार्ग, इस वाले मार्ग को स्वेज नहर मार्ग कहते हैं। उत्तरमासा अंतरीप, ये वाला जो मार्ग है इसको उत्तरमासा अंतरीप मार्ग कहते हैं। फिर उसके बाद पनामा नहर, पनामा नहर मार्ग देखिए चार नंबर पर, यहाँ पर पनामा नहर मार्ग है।
उसके बाद प्रशांत महासागरीय मार्ग 5 नंबर पर देखिए, यहाँ पर प्रशांत महासागरीय मार्ग हैं। चलिए उसके बाद कैरिबियन सागरीय क्षेत्र, तो 6 नंबर पर ये वाला जो क्षेत्र है कैरिबियन सागरीय क्षेत्र है दक्षिण अटलांटिक, तो आपको 7 नंबर पर यहाँ पर दे रखा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। और आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट है स्वेज नहर और पनामा नहर। देखिए विश्व की दो बड़ी नहरें हैं, जो स्वेज नहर एशिया, इधर एशिया है और इस एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज की खाड़ी लाल सागर में है, भूमध्य सागर को जोड़ता है। यहाँ से स्वेज द्वीप से शुरू होता है और पोर्ट सईद बंदरगाह तक जोड़ता है। तो ये स्वेज नहर है, देखिए यहाँ से के आसपास रेल यातायात भी जुड़ा हुआ है। तीन झील हैं इसके आसपास, ग्रेट बेटर और वीरसन और लिटिल बेटर, ये तीन नहरें भी याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये ट्रेन एशिया की ओर जा रहा है, ये ट्रेन अफ्रीका की ओर मंसूरा इधर जा रहा है, तो ये स्वेज नहर। इधर देखिए पनामा नहर, पनामा नहर की खास विशेषता लॉक्स पद्धति है। लॉक्स पद्धति के आधार पर इसके जाना जाता है, तीन लॉक्स हैं, गाटून बांध लॉक्स, पेट्रोमिक्स लॉक्स और मेराफ्लोर्स लॉक्स। लॉक्स ये होते हैं जो पानी का निचला जो क्षेत्र होता है, जो ऊपरी क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्थलीय भाग है, यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है, इस पानी को ऊपर उठा करके इस पर पहुँचाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो इस वाली पद्धति को, पानी को ऊपर उठा करके इधर डालने की जो पद्धति होती है उसको लॉक्स कहते हैं। जहाँ पर चौड़ा भी होता है, जहाज़ों को एक दूसरे क्रॉस करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो ये तीन लॉक्स हैं। या ये जो नहर है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है, और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर में यहाँ पर कैरिबियन सागर है उसको, और प्रशांत अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये भी एक प्रमुख नहर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी के अन्य जो मानचित्र है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कोरोना काल में खुद सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित कीजिए, घर पर रहिए, स्टे होम सेव लाइफ। थैंक यू।